Hello, Namaskar viewers. Welcome back to our YouTube channel, Sportzcraazy. मैं हूं गुरप्रीत और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए हमेशा से स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट लेकर आते हैं, तो अगर आगे चलकर भी आप स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल Sportzcraazy। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं और उसके लिए अगर हमें प्राइज या कोई अवार्ड मिलता है तो ऑब्वियसली बहुत खुशी मिलती है। सिमिलरली अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन को अप्रिशिएट करने के लिए और उनका मोरल बूस्ट करने के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल अवार्ड्स के साथ रिसेंटली ऑनर्ड प्लेयर्स के बारे में और आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स को नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 की सिलेक्शन कमेटी ने फीमेल पैरा एथलीट दीपा मलिक और रेसलर बजरंग पुनिया को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 के साथ ऑनर किया है और 19 प्लेयर्स को प्रेस्टीजियस अर्जुना अवार्ड के साथ ऑनर किया है, जिसमें फेमस क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, हॉकी प्लेयर चिंगलेनसाना सिंह, फुटबॉलर गुरप्रीत सिंह संधु, ट्रैक एंड फील्ड प्लेयर्स तेजिंदर पाल सिंह तूर, मोहम्मद आनस और स्वप्ना बर्नम और शूटर अंजुम मोदगिल भी शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्लेयर्स को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के साथ 7 लाख अवार्ड मनी भी दी जाती है, जो कि इसी साल 5 लाख से बढ़कर 7.5 लाख की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड की प्राइज मनी भी इसी साल 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो चुकी है। आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उस प्लेयर को दिया जाता है जो 4 साल के पीरियड में सबसे स्पेक्टैक्युलर और सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है या देती है। तो वहीं अर्जुना अवार्ड ऐसे प्लेयर को दिया जाता है जो 4 साल के पीरियड में कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस देता है या देती है और साथ ही लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप और सेंस ऑफ डिसिप्लिन जैसी क्वालिटीज भी एग्जिबिट करता है या करती है। जहां एक तरफ प्लेयर्स को नेशनल अवार्ड्स के साथ ऑनर किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बैडमिंटन प्लेयर एच एस प्रणॉय अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट ना हो पाने की वजह से काफ़ी अपसेट नजर आ रहे हैं, जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके जाहिर किया है। आपको बता दें कि 27-year-old प्रणॉय 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के मिक्सड इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2018 एशियन चैम्पियनशिप्स के मेन्स सिंगल्स में वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं और 2016 एशियन टीम चैम्पियनशिप्स में भी वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। तो वहीं इस मैटर के रिस्पॉन्स में BAI यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक सोर्स ने बताया है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास अर्जुना अवार्ड के लिए प्रणॉय की रिकमेंडेशन काफ़ी देर में गई, जिसकी वजह से अर्जुना अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट नहीं किया गया। जहां एक तरफ HS प्रणॉय सिलेक्शन पैनल से काफ़ी नाराज चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अभिनव बिंद्रा ने भी सिलेक्शन पैनल को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस्ड कोच जसपाल राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया। आपको बता दें कि सिलेक्शन पैनल ने द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए बैडमिंटन कोच विमल कुमार, टेबल टेनिस कोच संदीप गुप्ता और एथलेटिक्स कोच महेंद्र सिंह ढिलों को नॉमिनेट किया है जो आते हैं रेगुलर कैटेगरी में। तो वहीं दूसरी तरफ मेजबान पटेल जो कि हॉकी के कोच हैं, कबड्डी के कोच रणबीर सिंह खोकर, क्रिकेट कोच संजय भारद्वाज जो लाइफ टाइम कैटेगरी में आते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से ऑनर किया गया है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है और वो भी ऐसे कोचेस को जो टीम या स्पोर्ट्स पर्सन को सक्सेसफुली ट्रेन करते हैं और साथ ही इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के लिए कोच करते हैं। अब आपको एक ओवरव्यू देते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स को कौन कौन से नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल Sportzcraazy।